बिल्कुल, और हमारे साथ इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए सिद्धार्थ पुरोहित अब जुड़े हैं, बैंकिंग एनालिस्ट एंजल ब्रोकिंग के। सिद्धार्थ, जो मेरा अंदाजा है करीब 1500-1600 करोड़ रुपए का अतिरिक्त मुनाफा इन बैंकों के लिए सीधे तौर पे, और साथ ही बुक वैल्यू वैल्यूएशन में सुधार, आप क्या कहेंगे? जी, जो अमाउंट एक्चुअली अभी डिक्लेयर हुआ है जैसे 22,900 करोड़ का, ये डेफिनेटली एक काफी अच्छा मूव है, बिकॉज जैसे गवर्नमेंट का प्लान था 25,000 करोड़ इंफ्यूज करने का FY17 में, और फर्स्ट ट्रेंच में ही इतना बड़ा अमाउंट आता है, ये काफी एक अच्छा मूव है। और ये भी इंडिकेट करता है कि शायद गवर्नमेंट, जैसे पहले भी काफी बार बोला हुआ है कि दैट गवर्नमेंट इज रेडी टू इन्फ्यूज मोर फंड्स इफ रिक्वायर्ड, मतलब ज्यादा फंड्स अगर रिक्वायरमेंट होगा तो देने के लिए तैयार है गवर्नमेंट। तो ये अगर फर्स्ट ट्रेंच में इतना बड़ा अमाउंट आता है तो ये इंडिकेट करता है कि आगे जाके गवर्नमेंट सारे पीएसयू गवर्नमेंट बैंक को थोड़ा इंक्रीमेंटल सपोर्ट कर सकता है। तो जैसे आप प्रदीप देखेंगे, जितने पीएसयू बैंक्स कैपिटल एडिक्वेसी काफी हद तक ऑलरेडी एक प्रॉब्लम में थे, एक स्ट्रेस में था। जैसे आप स्मॉल बैंक्स का पर्टिकुलरली देखेंगे, लाइक इंडियन ओवरसीज बैंक एंड लाइक यू नो यूको बैंक एंड ऑल, तो इसमें लिस्ट आई एम नॉट श्योर कि उनको उसमें इंक्लूड किया है कि नहीं, बट करना चाहिए। बट मुझे ये लगता है कि उन लोगों को काफी और ज्यादा सपोर्ट का जरूरत पड़ेगा टू मीट द बेसल 3 गाइडलाइंस। बट एक इंटरिम रिलीफ पूरे सेक्टर के लिए, और मोस्टली जो इवन मिड साइज पीएसयू बैंक्स के लिए ये होता है कि बिकॉज आप इमीडिएटली मार्केट से अभी पैसा रेज नहीं कर पाते हैं बिकॉज आपका जो एसेट क्वालिटी है और बिकॉज ऑफ लोअर वैल्यूएशन, तो अभी के लिए जो प्रोविजनिंग आपका इंक्रीमेंटल आता है उससे आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूवमेंट नहीं हो पाता है बैंक्स का FY17 में। तो काफी हद तक जो इंक्रीमेंटल अभी जो कैपिटल आया है उनको बुक क्लीनिंग अप में प्रोसेस में हेल्प करेगा, और सेकेंडली इट विल ऑल्सो हेल्प देम इन यू नो मीटिंग सम अमाउंट ऑफ ग्रोथ, थोड़ा ग्रोथ भी उनको पुश करने के लिए फायदा होगा। तो मुझे लगता है कि एक काफी पॉजिटिव मूव है और गवर्नमेंट से काफी। तो आप जो कह रहे हैं छोटे बैंकों की बात ना, मैं आपको पूरी लिस्ट बता देता हूं। देखिए, मेरे पास सारे आंकड़े हैं। SBI 7,575 सबसे ज्यादा मिल रहा है SBI को साइज के हिसाब से, लेकिन बड़ा विनर मुझे दिखाई दे रहा है IOB, छोटा बैंक है और 3,101 करोड़ दिए जा रहे हैं। हालांकि IOB में ऑलरेडी ये प्रॉब्लम है कि उनकी एसेट क्वालिटी बहुत खराब है, इसलिए यहाँ पर बड़े पैसे लगाने की जरूरत थी, लेकिन साइज के हिसाब से बड़ा विनर है। उसके सामने PNB को केवल 2800 करोड़ मिल रहा है। एक लूजर मुझे इलाहाबाद बैंक दिखता है जहाँ केवल 44 करोड़ रुपए डाले गए हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखें सेंट्रल बैंक, यहाँ पर 1729 करोड़ रुपए डाले गए हैं। तो इस आंकड़े में मुझे बड़े जो बेनिफिशियरीज दिखाई दे रहे हैं साइज के हिसाब से अमाउंट बड़ा है। सिंडिकेट बैंक में 1000 करोड़ के आसपास ये बड़ा आंकड़ा है, सेंट्रल बैंक में 1700 करोड़ का आंकड़ा है, यूको बैंक में 1000 करोड़ का आंकड़ा है, और IOB में 3100 करोड़ का आंकड़ा है। तो ये वो बैंक हैं जो छोटे हैं साइज के हिसाब से, इनको बड़ा बेनिफिट दिया गया है। IOB, यूको बैंक, सिंडिकेट बैंक जिस पर, और सेंट्रल बैंक, इन पर खास तौर पे मुझे लगता है कि नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि ये बड़े बेनिफिशियरीज नज़र आ रहे हैं इस वक्त मिड कैप बैंकों के बीच में। इसके अलावा सारे आंकड़े इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हैं, आप देख सकते हैं। बैंक ऑफ इंडिया को करीब 1800 करोड़, कॉरपोरेशन बैंक को करीब 700 करोड़, यूनाइटेड बैंक को 800 करोड़, इलाहाबाद बैंक केवल 44 करोड़, देना बैंक को 600 करोड़, सिंडिकेट बैंक को 1000 करोड़ से कुछ ऊपर, कैनरा बैंक को 1000 करोड़, यूनियन बैंक को 700 करोड़ दिए गए हैं। तो ये 13 बैंकों का आंकड़ा आपके सामने, जिनको यहाँ पर फिलहाल ये सरकार की ओर से नई पूंजी मिल रही है, कुल मिलाकर 23,000 करोड़ रुपए बनते हैं। सिद्धार्थ, क्या कहेंगे आप? मेरे हिसाब से तो IOB, सेंट्रल बैंक, सिंडिकेट ये विनर नज़र आ रहे हैं। आपका अपना असेसमेंट, आप क्या इनमें से किसी को चुनेंगे? जी प्रदीप, आप अगर एब्सोल्यूट नंबर जो इन्फ्यूजन हो वो देखेंगे तो IOB को ज्यादा मिला है, बट ये जरूरी भी था बिकॉज IOB का कैपिटल एडिक्वेसी सबसे कम था अमंग द PSU बैंक्स, 9.6%। उनकी नेटवर्क तो पॉजिटिव थी क्या, जिस तरह से भारी NPA आए थे? जी, उनका अगर आप अगर ग्रॉस लेवल पे देखेंगे तो प्रदीप, उनका 17.4% का उनका आपका ग्रॉस लेवल पे NPA था, है, और उसके ऊपर रीस्ट्रक्चर्ड बुक है कुछ 10-12% की। जी, तो स्ट्रेस असेट अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि ये टेम्परेरी बेसिस पे तो एक हिसाब से हेल्प करेगा, नो डाउट, बट आगे जाके बैंक्स को खुद से काफी हद तक सुधारना पड़ेगा अपना बैलेंस शीट, अदरवाइज ये अमाउंट भी शायद लॉन्ग टर्म के लिए सफिशियंट ना बने, बिकॉज आप अगर उनका ओवरऑल नेट लेवल पे भी देखेंगे, जैसे अभी नेट लेवल पे भी 11.8% का आपका NPA बाकी है, तो बहुत काफी बड़ा अमाउंट आपका अभी प्रोविजनिंग करना बाकी है।
तो यहाँ पे जो अमाउंट आपको मिला है काफी हद तक ऐसा हो सकता है कि ये अमाउंट आपका प्रोविजनिंग में चला जाए। जैसे नेट एन पे आप अगर आप बोलें तो 19,000 करोड़ का अभी बाकी है इंडियन ओवरसीज बैंक में, तो शायद ये इंटरिम टाइम के लिए एक हेल्प करेगा, एक सेंटिमेंट बूस्टर है, बट ये शायद सारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा ये सब बैंक्स के लिए। आगे जाके और काफी कैपिटल का रिक्वायरमेंट आएगा। तो लेकिन आप ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये सारे पैसे डूबने ही वाले हैं? जी ऐसी बात नहीं है, बट ये काफी हद तक जो आपका कैपिटल एडुकेसी एटलीस्ट थोड़ा इंप्रूव करने के लिए हेल्प करेगा उनको, और जो आपका रिक्वायरमेंट है जो बेसल 3 के हिसाब से एटलीस्ट टू सम एक्सटेंट वो नहीं। सिद्धार्थ देखिए, पिछले दो क्वार्टर्स में भारी प्रोविजनिंग करनी पड़ी है। काफी बैंकर्स जिनसे हम बात करते हैं वो इस बात से नाराज हैं कि इतनी सख्ती बरती आरबीआई ने उनके साथ और बहुत ज्यादा प्रोविजनिंग करवा दी। तो अगर उनकी उनके शिकायत में थोड़ा भी दम है तो ये मानना चाहिए कि जरूरत से ज्यादा प्रोविजनिंग पहले ही हो चुकी है। तो अब और इसके ऊपर जो अब जो जो स्टैंडर्ड एसेट बचे हैं उनमें स्लिपेज अगर होते भी हैं ड्यू कोर्स में तो उतनी ही रिकवरी कम से कम होनी चाहिए, और अब आगे प्रोविजनिंग का दबाव तो नहीं दिखना चाहिए। जी प्रदीप, इसमें एक एक मेरा ये रहा है कि जो सेक्टर्स में ये पीएसयू बैंक्स ने लैंड किया है, लाइक आपका मेटल्स हो गए, पावर हो गए और माइनिंग, या तो थोड़ा बहुत टेक्सटाइल्स में, पर्टिकुलरली मेटल्स में जहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रेस है, अभी मेटल कंपनीज में थोड़ा कैश फ्लो में इंप्रूवमेंट हुआ है बट इतना नहीं हुआ है कि दे विल स्टार्ट पेइंग द इंटरेस्ट। तो अभी तक उनका हालत इतना नहीं सुधरा है कि वो उसको अपग्रेड कर सकें। शायद अगर मेटल प्राइसेस और स्टेबिलाइज रहें और कुछ मंथ के लिए तो ये पॉसिबिलिटी है, बट मेरा अनुमान ये है कि शायद अभी तक इतना सुधार नहीं आया कि उसमें मेजर अपग्रेडेशन आए। तो प्रोविजनिंग मुझे लगता है कि हायर ही रहेगा पीएसयू बैंक में। मुझे नहीं लगता है कि अभी इमीडिएट टर्म में 2-3 क्वार्टर या 4 क्वार्टर में प्रोविजनिंग कोई भी हद से मतलब बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आएगा। ऑब्वियसली Q3 और Q4 में हम लोगों ने लास्ट ईयर देखा जो बहुत बड़ा जंप आया प्रोविजनिंग में, उतना बड़ा अमाउंट नहीं दिखेगा बिकॉज जो लार्ज अकाउंट्स थे AQR में वो ऑलरेडी प्रोवाइडेड हैं, बट बियॉन्ड AQR जो बाकी अकाउंट्स हैं जो मिड साइज एंड अदर देन दोस SME एंड ऑल, उसमें अभी तक पेन बाकी है। तो मुझे लगता है कि स्ट्रेस रहेगा प्रदीप अभी PSU सेक्टर में, PSU सेटअप बैंक में। ओके, लेकिन देखिए पिछले क्वार्टर में ये जो 13 बैंकों की हम बात कर रहे हैं इनमें से कई एक ने लॉस डिक्लेयर किया था जी, क्या इस बार भी कुछ बैंक लॉस करने वाले हैं? आपका क्या अनुमान है कौन से जी? मुझे लगता है जो छोटे बैंक हैं ये क्वार्टर में भी लॉस कर सकते हैं। कौन कौन से अगर आप कुछ नाम बताएं जो आपके कवरेज में हो? जी मोस्ट ऑफ दोस स्मॉल बैंक्स तो हमारे कवरेज में नहीं है, सो आई विल नॉट बी एबल टू टेल यू इंडिविजुअली बैंक्स, बट जो अदर देन द लार्ज बैंक्स मुझे लगता है लाइक SBI एंड PNB और BOB, बाकी सब बैंक्स में काफी हद तक अभी स्ट्रेस बाकी है जो कि रिकॉग्निशन अभी ये क्वार्टर में भी और आगे आगे आने वाले 1-2 क्वार्टर में भी रहेंगे। सो मैं ये मतलब ये टोटली रूल आउट नहीं कर सकता कि वो लोग लॉस नहीं करेंगे कि वहां पे अगर, बट एक चीज प्रदीप ये भी मैं मानता हूँ कि अगर लॉस रिपोर्ट करते हैं और उसको प्रोविजनिंग में लेते हैं तो उसको और बहुत ज्यादा नेगेटिवली नहीं लेना चाहिए बिकॉज बैंक्स आर रिकॉग्नाइजिंग दोज एसेट एज ट्रबल्ड और उसको प्रोविजन ले रहे हैं तो उसको और बहुत ज्यादा नेगेटिवली लेना नहीं चाहिए बिकॉज इतने साल तक वो अकाउंट्स जो ऑलरेडी स्ट्रेस में थे उनको रिकॉग्निशन नहीं किया गया था एज NPA, तो जब उसको रिकॉग्नाइज कर किया जा रहा है और प्रोविजनिंग किया जा रहा है तो उसको और बहुत ज्यादा नेगेटिवली लेने की जरूरत नहीं है। बट ये भी मानना पड़ेगा कि ये इसके सब की वजह से आपका रिटर्न रेशियोज ऑलरेडी जो स्ट्रेस में है वो भी स्ट्रेस में रहेंगे। तो जो आपका मतलब अभी परफॉर्मेंस जो इन टर्म्स ऑफ लोन ग्रोथ या तो जो आना चाहिए वो शायद नहीं दिखेगा फॉर 1-1.5 साल के लिए, और इसके लिए गवर्नमेंट को एक पूरा स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा या तो और हायर कैपिटल एलोकेशन का फॉर नेक्स्ट ईयर सोचना पड़ेगा, तब जाके एक मेजर सुधार आएगा। और अभी जैसे आपने तो आपका कोई असेसमेंट है और कितना पैसा डालने की जरूरत है? जी हमारा जैसे एक अनुमान था कि शायद ये साल में अराउंड 40,000 इज व्हाट वी थॉट कि वुड बी रिक्वायर्ड फॉर द एंटायर इंडस्ट्री, फॉर द बैंकिंग इंडस्ट्री मिनिमम साइड पे। जैसे गवर्नमेंट का आपका 25,000 करोड़ का अनाउंसमेंट हुआ है, मुझे लगता है कि अनदर 15,000 करोड़ ओवर एंड अबव जो अनाउंस था वो आना चाहिए बिकॉज ये जो पहले अनाउंसमेंट किया गया था इट वॉज प्योरली बिफोर द AQR एक्सरसाइज। AQR एक्सरसाइज के बाद काफी सारे बड़े अकाउंट्स प्रोविजनिंग में आए हैं, तो मुझे लगता है कि वो शायद गवर्नमेंट डिसाइड करेगा कि कितना एक्स्ट्रा अमाउंट करना चाहिए। तो आई थिंक इन कमिंग क्वार्टर्स हमें देखने को मिलेगा कि गवर्नमेंट थोड़ा प्रोएक्टिव स्टेप ले सकते हैं। ओके जी प्रदीप, IOB इस समय मेरे सामने जो आंकड़े हैं वो बता रहे हैं कि IOB करीब 3,500 करोड़ के मार्केट कैप पे चल रहा है जी। और सरकार इसमें 3,000 करोड़ और डालने की बात कर रही है, थोड़ा मुझे समझ में नहीं आ रहा ये कैसे इन्फ्यूज किया जाएगा। हाँ ये ऐसे जैसे मैंने आपको बोला प्रदीप, ये
यू कैन नॉट लुक एट इट ओनली फ्रॉम मार्केट कैप पॉइंट ऑफ व्यू। अगर नहीं, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि 50% इसकी मैंने इक्विटी डबल हो जाएगी अगर इस रेट पे पैसे डाले गए तो इक्विटी डबल हो जाएगी और सरकार का हिस्सा मेरे पास इस समय ब्रेकअप नहीं है लेकिन काफी ज्यादा होगा। ये काफी इंटरेस्टिंग सिनेरियो दिख रहा है। प्रकाश दीवान हमारे साथ जुड़े हैं, सिद्धार्थ उनकी भी एक राय लेते हैं। प्रकाश क्या कहेंगे आप? देखिए जो प्रोविजनिंग का जो प्रेशर रहा है उसके बाद से सारे ही एस्टिमेट्स जो है रिकैपिटलाइजेशन के वो रिवाइज होने की जरूरत पड़ेगी। तो जो सरकार ने पहले भी एक इंटीमेशन दिया था, मुझे याद है जो आउटगोइंग स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर थे जयंत सिन्हा, उन्होंने कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग इस लागत को बढ़ा भी सकते हैं। तो आई थिंक एंड ऑफ द डे ये टिल FY17 के क्लोजर दैट विल हैपन, द ओवरऑल आउटले विल इंक्रीज। और जो आपने IOB का जैसे एग्जाम्पल दिया है, पर्टिकुलरली इस टाइप की बैंक्स में सिर्फ टीयर वन कैपिटल ना होके हो सकता है कि कोई और फॉर्म में भी, मतलब इक्विटी कई तरह से बढ़ सकती है विदाउट इंपैक्टिंग उस वैल्यूएशन इन अनफेवरेबल वे। तो मुझे लगता है सरकार कैसे भी करके वो उसको टीयर टू बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करके फिर कन्वर्ट करेगी इक्विटी, कुछ इस टाइप के सोल्यूशन निकलेंगे। बट जो छोटी बैंक्स में पैसा इन्फ्यूज करने का कॉन्फिडेंस सरकार दिखा रही है वो इस वजह से है कि जो क्लीनअप का शुरुआत हुई थी पिछले साल जो स्ट्रेस एसेट्स की NPAs की, कहीं ना कहीं ये उम्मीद हो रही है कि इसमें टर्न अराउंड आएगा तो पूरी तरह से ये FY17 में सफाई हो जाएगी और ये बैंक्स वापस कैश पॉजिटिव हो जाएंगी। तो वो चीज मायने ज्यादा रखती है, मार्केट उसको ज्यादा वेटेज देगा रादर देन द स्पेसिफिक अमाउंट्स। ओके, तो आप क्या करेंगे इस वक्त PSU बैंक्स पे प्रकाश? नो, सो PSU बैंक्स में सिलेक्टिवली डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी बनेगी, जैसे जो अच्छे बैंक्स है जहां पे कैपिटल के आने से ग्रोथ आ सकती है, जैसे यूनियन बैंक है, अलाहाबाद बैंक है, सिंडिकेट बैंक है। आई थिंक इन बैंक्स में एक एक्टिविटीज आपको ज्यादा दिखेगी, पर जो वीक बैंक्स हैं जैसे इंडियन बैंक है या IOB, आई वुड डेफिनेटली अवॉइड दोस कि भाई इनको ज्यादा पैसा आ रहा है तो ये अट्रैक्टिव हो गया, ये नहीं होता। उल्टा ज्यादा पैसा आ गया तो इनको पैसा मैनेज करना मुश्किल अभी भी पड़ा है, तो कैपिटल आने के बाद भी ये जरूरी नहीं है कि ये लोग प्रॉफिटेबल हो जाए। सो सिलेक्टिवली ही जाना पड़ेगा और यू विल हैव टू गो विद जिसका जिसका कामकाज साफ सुथरा रहा है, ट्रैक रिकॉर्ड साफ सुथरा रहा है, उन्हीं बैंक्स के साथ जाएंगे। वो भी थोड़ी जो बड़ी बैंक्स हैं इसमें, इस लिस्ट में, इस सारी सूची में, उनकी तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ओके, तो ये राय फिलहाल आपकी निकल कर आ रही है, लेकिन अगर हम देखें तो काफी सारे बैंकों में काफी बड़ा अमाउंट है। आप बैंक ऑफ इंडिया भी देखिए, मिसाल के तौर पर मार्केट कैप का करीब 26% यहाँ पर सरकार निवेश करने की तैयारी में है, तो ये इन बैंकों के वर्तमान वैल्यूएशन के मुकाबले में नहीं बहुत बड़ा हिस्सा हो सकता है अगर ये प्योर इक्विटी है। तो PNB के लिए 12% होगा, IOB के लिए तो करीब 85% होगा जैसे हमने बात कही, SBI के लिए करीब 4.5% होगा। सिद्धार्थ आप किस तरह से ये अंक गणित देखेंगे और क्या रिपोर्ट आप जब रिपोर्ट निकालेंगे तो क्या वैल्यूएशन, क्या बुक वैल्यू एज्यूम करेंगे? जी प्रदीप, हमें डिटेल्स कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा, बट मेरा एक चीज मतलब मैं बताना चाहूंगा इसमें कि जितना भी कैपिटल इंफ्यूजन हुआ है बेसिकली मुझे ये लगता है कि इसमें बेसिकली आपका जो इंटरमीडिएट क्लीनिंग प्रोसेस ही काफी हद तक काम करेगा और बहुत और आगे जाके कैपिटल का रिक्वायरमेंट आना पड़ेगा। और इससे मुझे नहीं लगता है कि बिजनेस जो पर से उनका जो PSU बैंक का कोई भी हद से एक लिमिट के बाद इम्प्रूवमेंट होने वाला है, बिकॉज जो कोर प्रॉब्लम है जो एसेट का आपका जो सेक्टर में जो ऑलरेडी वो लोग प्रोविजन किए हैं वो एजिंग फैक्टर, जैसे जैसे आपका वो NPA आपका एज होता जाएगा या तो NPA का एज बढ़ेगा आपको प्रोविजनिंग और बढ़ता जाएगा, तो अर्निंग्स में कहीं पे मुझे एटलीस्ट तो सुधार नहीं दिख रहा है FY17 के लिए और काफी हद तक FY18 में भी शायद ये स्ट्रेस में रहेंगे। बट ये मैं ऑलरेडी जो मिड साइज बैंक्स के बारे में बोल रहा हूँ, बट जहां तक जो लार्ज बैंक्स हैं लाइक बैंक ऑफ बड़ौदा हो गए, इस वक्त आपके पिक्स कौन से हैं? जी PSU में हमारा PSU में वी हैव न्यूट्रल अप्रोच, वी डोंट हैव एनी पिक, वी आर स्टिल लाइकिंग प्राइवेट बैंक। हमें लगता है कि प्राइवेट बैंक अभी भी मार्केट शेयर गेन करेंगे और आउटपुट कोई करेंगे। कोई उम्मीद की आप डिटेल देखने के बाद अपनी इस व्यू में कोई बदलाव करेंगे और एक आध दो बैंक में कम से कम बाई कॉल देंगे? जी मुझे लगता है कि SBI और BOB में शायद एक सुधार आ सकता है एक दो क्वार्टर बाद,
बट बाकी बैंक से मुझे ऐसा नहीं लगता है। बॉब को तो पैसे मिले नहीं है, एसबीआई को ही मिले हैं, तो वहीं पर आपके लिए नई खबर है। बॉब के लिए शायद आप नतीजे का इंतजार करेंगे और फिर अपनी रिपोर्ट निकालेंगे। शुक्रिया आपका सिद्धार्थ और प्रकाश हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये जानकारी फिलहाल आपके सामने आती हुई। सरकारी बैंकों में 23,000 करोड़ रुपए का निवेश सरकार कर रही है। बजट में 25,000 करोड़ के लगभग का संकेत दिया गया था। करीब करीब वो पूरा पैसा साल के कह सकते हैं कि दूसरे तिमाही में ही सरकार दे रही है, तो काफ़ी पहले आता हुआ हमारा एस्टिमेट। अगर ये पैसे तुरंत मिल जाते हैं तो 1500 से 1600 करोड़ रुपए कम से कम मुनाफा बढ़ जाएगा इन सारे बैंकों का कुल मिलाकर। लेकिन इनमें से एक एक बैंक ने इससे ज़्यादा प्रोविजनिंग की हुई है पिछले क्वार्टर्स में, तो कितना काम आएगा ये सवाल है जो बाजार पूछ रहा है। इस पर हम लगातार आगे एक्सपर्ट्स की राय लेंगे, लेकिन फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक।